जीवन चलेगा नाम चलते रहो सुबह शाम। अरे भैया जीवन चलेगा नाम। अरे भैया जीवन चलेगा नाम चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलेगा नाम चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलेगा नाम चलते रहो सुबह शाम। कोई शक ये दुनिया बेईमानी से जो पाएगा उससे ज्यादा खो जाएगा। ओ जीवन तो चलेगा नाम है। बेईमानी से जो पाएगा उससे ज्यादा खो जाएगा। जिस दिन तेरी पोल खुलेगी जीना मुश्किल हो जाएगा। अजी नवाब साहब मेरे सरताज जरा उठने की तकलीफ फरमाएंगे आप। देवम लड़ाका जान मेरा मतलब तुझ पे कुर्बान मेरी जान। गफूर मियां पतंग फिरोज की लखनवी जान दुनिया जानती है जब तक तो मेरे मुंह में ये शाही पान। हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। देखिए आप हमें अनारकली से रजिया सुल्ताना बनने पर मजबूर मत कीजिए। फौरन खड़े हो जाइए। बेगम लड़ाका जान देखो हमने कर दिया ऐलान नहीं उठेंगे तो नहीं उठेंगे। अच्छा आप नहीं उठेंगे तो ठीक है हम अभी अपना बेलन लाकर आपकी शामत ला देते हैं। गुस्ताखी माफ। अरे कमबख्त उस दिन की तो याद बिल्कुल मत दिलाइए। मार मार के माशाल्लाह मेरे पूरे शरीर को सुर्ख बना दिया था तुमने। मेरी बूढ़ी हड्डियों में जो दर्द घुसा था माशाल्लाह अभी तक नहीं निकल रहा। आप ये फरमाइए क्या बात है। अम्मा बात क्या होगी उस आलीशान हवेली को छोड़कर इस किराए के मकान में रखने के लिए लेकर आए थे आप। माशाल्लाह बिल्कुल नहीं। तो फिर फ्लैट क्यों नहीं खरीद लेते हैं आप। अब बेगम लड़ाका जान अब मेरा मतलब है तुझ पे कुर्बान मेरी जान। गफूर मियां की अजीज बेगम होते हुए तुम छोटे से माशाल्लाह फ्लैट के लिए फिक्रमंद हो रही हो। हमें लानत भेजो फ्लैट को। मैं तो तुम्हें दिल्ली का लाल किला आगरे का ताजमहल तोहफे में पेश कर दूं। मियाँ आपकी लड़ाका जान को दिल्ली का लाल किला और आगरे का ताजमहल नहीं चाहिए। आप तो बस एक फ्लैग दिला दीजिए हमें। अरे बेगम जान तुम जानती नहीं हो कल जब हम बाजार से माशाल्लाह ये शाही पान लेकर आ रहे थे तब हमने वहाँ पे जो है एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान देखी थी बस वहीं चल के फ्लैट खरीद लेते हैं। आप सही फरमा रहे हैं। आप बिल्कुल माशाल्लाह दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो ठीक है आप 10 मिनट रुकिए हम अभी अपना मेकअप करके आते हैं। कमबख्त ये मेकअप बीच में कहां से आ गया। खुदा बेहतर जानता बिना मेकअप के तुम बिजलियां गिरा दी हो। अब खुश हो गई। अबे तू क्या बैठ जा। आधा बरसे तशरीफ रखिए। बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। मियाँ खिदमत आप क्या करेंगे हमारी। खिदमत तो हमारी लखनऊ में हुआ करती थी। अरे कसम खुदा की पूरे एक दर्जन नौकरों की फौज थी। अरे हमारी हवेली में अरे वे किया करते थे खिदमत। अरे आप क्या खिदमत करेंगे। अजी जनाब हम भी ऐसी खिदमत करेंगे कि कोई क्या खाक करेगा। जनाब बिल्कुल छोटे मियाँ बजा फरमा रहे हैं। हम तो हैं ही खिदमत करने के धंधे में। आप एक बार मौका देके तो देखिए। बेगम साहिबा हम तो हैं ही कोठी फ्लैट मकान दुकान छप्पर खोके बेचने और खरीदने के धंधे में। आप बस बताइए आपको कैसा फ्लैट चाहिए। हमारे फ्लैट में बावर्ची खाना गुसल खाना आरामगाह और बैतुल खला का माकूल इंतजाम होना चाहिए। जी बेहतर। और तो और माशाल्लाह हमारे फ्लैट की छत शरीफ भी खुली हुई होनी चाहिए ताकि हम शाम के वक्त पतंगबाजी का शौक फरमा सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल आपको ऐसा फ्लैट अभी मिल सकता है। बस उसके लिए आपको कुछ पैसे खर्चने पड़ेंगे। यही कोई 19,99,999 रुपए। हम लखनऊ के नवाब हैं। हमारा इसमें गरीब है गफूर भाई पतंग फिरोश। दौलत तो माशाल्लाह हमारे पास बेशुमार है सो कीमत की तो आप चिंता ही मत कीजिए। बस जी ऐसी बकरों की तलाश तो रहती है ना।
अब माफ करना, आपने फिर कुछ फरमाया? जी कुछ नहीं। खैर ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि हमें फ्लैट का दीदार कब कराएंगे? बेगम साहिबा, आप जहाँ बैठी हुई हैं वही फ्लैट है। आप इसे फ्लैट कह रहे हैं? इससे अच्छा तो हमारा किराए का मकान है। जी मजाक मत कीजिए, लखनऊ में हमारा इससे बड़ा कबूतर खाना है। अरे बेगम साहिबा, फ्लैट बड़े छोटे थोड़े ना होते हैं, बस दिल में जगह होनी चाहिए। अमा मकान फिरोज जी, इस मकान में ना तो जनान खाना है ना मेहमान खाना है, और आप इसे फ्लैट बता रहे? अमा गफूर भाई को क्यों बेवकूफ बना रहे? बेवकूफ बनाना ही तो हमारा काम है। मियां क्या फरमाया आपने? जी हमारा मतलब है दुकान को मकान बनाना, मकान को दुकान बनाना, यही सब तो हमारा काम है। जी बिल्कुल, हम तो खाली प्लॉट पे चुटकियों में कोठी खड़ी कर देते हैं, और ये तो बाकायदा फ्लैट है जनाब, आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए जनाब, ये है अपनी दुकान का चकोर नक्शा, गौर फरमाइएगा हजूर। बेगम साहब आप देखिए। अब अगर आप इजाजत दें तो हम क्या करेंगे कि हम बाकायदा दीवार खड़ी करके ये तो दाहिनी ओर आपका बेडरूम बन जाएगा और बाईं तरफ आपका ड्राइंग रूम। और हमारा बावर्ची खाना कहाँ होगा? आप बेफिक्र रहिए बेगम साहिबा, बावर्ची खाना को गुसर खाने के साथ हम छत पे ही बना देंगे। और हमारी बैतुल खला कहाँ होगी? माफ कीजिएगा नवाब साहब, ये बैतुल खला क्या चीज है? अमा मियां, बैतुल खला का मतलब है गिलाजते फिजूली को जुदा करने वाली जगह, यानी कि टॉयलेट। आप बेफिक्र रहिए, आपकी बैतुल खला को हम गुसर खाने की छत पे बना देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है हा? मेहमान खाने के ऊपर गुसल खाना और गुसल खाने के ऊपर पखाना, वाह भाई वाह। आप फ्लैट बना रहे हैं या कुतुब मीनार? बेगम साहिबा, आजकल तो इज्जत भी उन्हीं की होती है जिनकी बिल्डिंगें होती हैं। हाँ ये बात तो है। खैर ये सब छोड़िए, आप बताइए कि फ्लैट कितने दिन में तैयार हो जाएगा? महज 5 दिनों में। मजाक कर रहे हैं, 5 दिनों में मकान तैयार हो जाएगा? आपके पास कोई अला दिन का चिराग है क्या? बेगम साहबा, वो तो हम आपको बाद में ही बताएंगे, वो तो राज की बात है। अलबत्ता आपको आधी पेमेंट एडवांस में अभी देनी पड़ेगी, और बाकी आधी की पेमेंट रजिस्ट्री से पहले दे दीजिएगा। हाँ तो ठीक है जनाब, ये लीजिए 2 लाख रुपए एडवांस। 2 लाख? देखिए नवाब साहब, मैं अर्ज कर चुका हूँ कि हम आधी पेमेंट से 1 पैसा कम नहीं लेंगे। ठीक है जनाब, कोई बात नहीं, जब हमारे पास आधी पेमेंट का इंतजाम होगा हम फिर आ जाएंगे। चलिए बेगम साहब। नहीं नहीं नहीं, तशरीफ रखिए, लाइए लाइए लाइए, कोई बात नहीं, अब आप इतनी दूर से आए हैं, आपको नाराज थोड़े ना कर सकते हैं हम। और हमें बस वो छोटी सी रसीद दे दीजिए और हमारा माशाल्लाह एड्रेस नोट कर लीजिए, ताऊजी वाली गली में राम सिंह चौधरी के यहाँ मकान में रहते हैं। किराए पर? बिल्कुल ठीक फरमाया। अब हमें इजाजत दीजिए, अब हम जो है अपना साजो सामान लेकर 5 बजे फिर हाजिर हो जाएंगे। ये जगह लड़का जहाँ जी जनाब, अरे चाचा जी, आज तो बड़ा मुर्गा फंस गया। अबे तू क्या? अगर ऐसे 2-4 मुर्गे और जल्दी फंस गए तो हम तो बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। चाचा इसी बात पर मेरे पैर ना बड़ा जोर की भूख लग रही है, और मसाला डोसा खिलाओ। अबे दूं क्या? चल भेस बदल के किसी कैंटीन वाले के पास चलते हैं, उसको चपत लगा लेंगे और हम मसाला डोसा खा लेंगे। अबे दूं क्या? अरे भैया जीवन चल रहेगा ना, मान से जो पाएगा उससे ज्यादा खो जाएगा, जिस दिन तेरी पोल खुलेगी जीना मुश्किल हो जाएगा। सब बेच के पैसे इकट्ठे किए थे, फिर भी वीजा नहीं मिला यार, नहीं मिला। अब कहाँ जाऊंगा, अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगा बता। ओए की गल है, तेरे भांडे बिक गए हैं, घर बिक गया, रो क्यों आया तू? सर जी भांडे बिके तो नहीं है, वो यही हालात रहे तो बिक जरूर जाएंगे, और मुझे तो लटक कर जान देनी पड़ेगी अपनी। ओ ब्रदर, डोंट वरी, डोंट एंगर, अपना प्रॉब्लम हमको दस। अच्छी हर प्रॉब्लम को बिगनिंग से ही द एंड कर देते हो। सर जी
मैं बहुत अभागा आदमी हूँ जी। ओए किधर से भागा हुआ आदमी है तू? ओ नहीं जी सर जी, भागा हुआ नहीं हूँ जी, मैं बहुत अभागा आदमी हूँ जी। मैं गया था जी एम्बेसी वीजा लेने के लिए, कनाडा जाना था मुझे, और लेकिन सर जी पैसे ना होने की वजह से और मेरे को वीजा नहीं मिल पाया सर। ओ एनी जी गल, और तू फिकर ना कर, असी भेज देंगे तेनु कनाडा। जी आप दोनों जी फॉरेन के एजेंट हो क्या? हम दोनों इंसानों को इनपुट और एक्सपोर्ट करने के बिजनेस में हैं बॉस। यानी कि यहाँ से इंपोर्ट करते हैं और वहाँ पे एक्सपोर्ट, और वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट। जी क्या मतलब? मतलब ये बॉस कि इंडिया के लोगों को यूरोप, कनाडा, अमेरिका, पंजाब, मुजफ्फरपुर, जहाँ भी बोलेगा वहाँ भेज देंगे। ओए मोटी गल ये है कि हो कैसे भी मुंडे और तड़ी पार या गली के गुंडे, और सबको हमने बाहर भेजा है और तुझे भी भेज देंगे। जी संदीप भेज दो जी, जल्दी भेज दो जी। कॉस्टिंग ओनली 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपए? ओ सर जी लेकिन मेरे पास तो जी 50,000 रुपए हैं सिर्फ। ठीक है ठीक है, 50,000 रुपए ला, तुझे पानी वाले एरोप्लेन से भेज देंगे। पानी वाले एरोप्लेन से? ओ जी ये कब से चलने लगा? ओए तूने क्या लेना देना है, तूने तो एरोप्लेन में बैठ के जाना है, अब वो एरोप्लेन पानी में जाए या हवा में उड़े तनु की। पर ब्रदर आप वहाँ जाकर खरने के वाले हो। ओ जी मैं तो जी वहाँ जाके पहले जेबे काटूंगा, और सर जी उसमें अगर इनकम अच्छी नहीं हुई तो गले काटने शुरू कर दूंगा। बहुत डेंजर मालूम पड़ता है आप। सीरियल किलर है क्या? नहीं जी सर, मैं तो टेलर हूँ। टेलर हो या वेलर, निकाल 50,000 रुपया। जी जी लीजिए जी। ठीक है ठीक है, फिकर नॉट काका, अब तेरे को भेज देंगे हम कनाडा 2 दिनों में हवाई जहाज में उड़ा के। लेकिन सर जी और मैं तुम लोगों को ढूंढूंगा कहाँ, और ना तो तुम्हारा मुझे ऑफिस मालूम है, और ना तुम दोनों का नाम। फिकर नॉट काका जी, ये पकड़ हमारा विजिटिंग कार्ड, और मैं हूँ अमरीक सिंह और ये है मेरा छोटा भाई अफरीक सिंह, और हम दोनों का विजिटिंग कार्ड जो है ना उस पर हमारे पते भी लिखे हो। एंड बॉस Do come after 2 days. हाँ भाई अब हम चलते हैं गए, लेकिन तू तैयारी कर ले क्योंकि तेरे पासपोर्ट को भी छपवाना है। बाय बाय। ओ सर जी छपवा दो जी, जल्दी छपवा दो जी। बाय बाय जी, बाय बाय। ओ बाय बाय जी। अरे भैया जीवन चल रहेगा ना, चलते हैं सोशल। बेईमानी से जो पाएगा उससे ज्यादा खो जाएगा, जिस दिन तेरी फोन खुलेगी जीना मुश्किल हो जाएगा। बेगम लड़ाका जान, अब मेरा मतलब है मेरी जान तुझ पे कुर्बान, ये खा लिया हमने अपना शाही पान। माशाल्लाह अब देखना हमारी शान। बहुत देखी आपकी शान, जाकर थूक कर आइए ये पान। कम बहुत अभी तो मुंह में डाला, अभी कहाँ से थूक दे। हाँ, ये कौन आ गया? जनाब आपकी शान में आदाब बजा फरमाते हैं, आदाब कबूल कीजिए। हाँ माशाल्लाह कबूल तो 10 साल पहले हमने अपनी बेगम को किया था, खुदा बेहतर जानता वो गलती को अब तक भुगत रहे। आपके कहने का क्या मतलब है, हम इतने बुरे हैं क्या? हाँ बेगम लड़ाका जान, मेरा मतलब है मेरी जान तुझ पे कुर्बान, मैं तो मजाक कर रहा था। देखिए हमसे ऐसा भाईयत मजाक मत कीजिएगा, मजाक करना है तो अपने चचा रजाक से जाके कीजिए। मियाँ आप ये बताइए कि मेरे गरीब खाने में कैसे तशरीफ लाए, और ये साहब कौन है? जनाब ये हैं बहुत बड़े बुजुर्ग। ये बड़े बुजुर्ग कुछ ज्यादा छोटे नहीं है? अजी मोहतरमा हम भी कभी 6 फुट के हुआ करते थे। तो फिर अब 3 फुट लंबे कैसे रह गए?
जनाब ये है रामपुर के नवाब माजिद अली वल्द साजिद अली वल्द वाजिद अली तीतर फरोश। इन्होंने पल्स पोलियो अभियान के लिए देश भर में घूमकर प्रचार किया और पदयात्रा की। अब पदयात्रा करते करते ये थोड़े से घिस गए। माशाल्लाह, कल हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रचार के लिए निकलने वाले हैं। अब की जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, घिस घिस कर फना हो जाएंगे। देश पर कुर्बान होना तो हमारे लिए फक्र की बात है। हम माशाल्लाह, ये तो हम नवाबों की बात ही कुछ और है। आप तो ये फरमाइए, आप हमारे गरीब खाने में कैसे आए और मैं आपकी खिदमत में क्या पेश कर सकता हूँ? जनाब इनकी एक आलीशान कोठी है जिसे बेचकर ये अपने मिशन पे रवाना होना चाहते हैं। आप खरीदेंगे? अब बहुत ही सस्ते दामों में मिल रही है। माशाल्लाह, ये बताइए कितनी कीमत मांग रहे हैं? आज के दौर में तो कोड़ियों के दाम बस 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए? अरे भाई, हमें तो वो छोटा सा मामूली फ्लैट ही तो खरीदना। ओफो, उस फ्लैट की कीमत में इतनी बढ़िया कोठी मिल रही है, लानत भेजिए उस फ्लैट को। नवाब साहब, आपसे ज्यादा अकलमंद तो आपकी बेगम जान पड़ती है। हाँ, तो फिर देर मत कीजिए और फौरन 25 लाख रुपए दे दीजिए। हाँ, पूरे 25 लाख क्यों मियां? माशाल्लाह, 2 लाख तो हम आपको पहले ही दे चुके हैं। जनाब ये लीजिए पहले अपने 2 लाख रुपए, अब आप मुझे दे दीजिए 25 लाख रुपए। मियां एक बात बताइए, आप ये 2 लाख रुपए मुझे क्यों दे रहे हैं जबकि मैंने आपको भी वापिस दे देने? जनाब दौलत तो हाथ बदलती हुई अच्छी लगती है और आते ही दौलत को ठुकराना थोड़ना चाहिए, इसी में दौलत की बरकत होती है। हाँ हाँ मियाँ, आप कह तो ठीक रहे हैं लेकिन मेरे को हिसाब कुछ समझ में नहीं आ रही। अरे जनाब, इनको जरा हिसाब किताब समझाइए। जनाब आपने मुझसे फ्लैट खरीदा 20 लाख का और दिए 2 लाख, यानी कि बचे 18 लाख। अब मैं आपको कोठी बेच रहा हूँ जो कि 25 लाख की, यानी 18 और 25 मिलके हो जाते हैं 43 लाख। अब आप 2 लाख तो मुझे दे चुके हैं यानी कि हो गए 41 लाख। 41 लाख में से 18 लाख निकाल दें और जो कि फ्लैट के हैं तो बचे 25 लाख। तो आप मुझे दे दीजिए 25 लाख रुपए। अजी नवाब साहब, आप हिसाब किताब में बहुत खराब है। क्या हिसाब किताब में पढ़े हैं, दे दीजिए ना चुपचाप 25 लाख। तो बेगम साहिबा, ऐसा कीजिए रकम ला के दे दीजिए। ठीक है, हम लेकर आते हैं। जनाब तुम्हारी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगती है। क्या है नवाब साहब, वो हम आने वाले सीरियलों में काम करते रहते हैं इसलिए शक्ल थोड़ी जानी पहचानी सी नजर ला रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए दीजिए दीजिए पूरे 25 लाख। ठीक है ठीक है, कल आप मेरे ऑफिस आ जाइएगा और मैं वहीं पे आपको कोठी की चाबी थमा दूंगा। अब फिलहाल हम चलते हैं, क्यों नवाब साहब? हाँ, आदाब 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 आदाब। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। अरे भैया, जीवन चलने का नाम।